मेरे मौला साथ दे, नो वन इज एट होम। बढ़ गए भाई, हो गया काम। कह रहे उस चक्कर में ये फटा भाई है। ओए होए होए, चीज तो सही भरी हुई। क्या कर रहे हो चाचा? कैंडल लाइट सीरीज हुई। कौड़ा के बिना इफ्तारी। 5 सेकंड में से पूरी गाड़ी उठा दी यार। ओ खैर, नॉलेज का भी लेवल इतना बढ़ गया। मेरे मौला साथ दे, मेरा उम्दा नाम दे, तेरा बंदा मुश्किलों में है खड़ा। उल्टा सीधा कर थोड़ी 19-20 गालियां तो सॉरी, बिकॉज तीसरी नाथ मुझे पक्की याद नहीं हुई। मैच शुरू हो गया सामने, जो कि आखिरी मैच देख रहे हैं। पूरा BSL बायकॉट ही कर रहा है। आखिरी मैच देख ले, इजाजत है कमेंट सेक्शन में बता दो। तेरे को बताते, मैं बैठ के ब्लॉग को कर रहा था एडिट। अम्मी घर पे, अम्मी कहती है बेटा दूध उबाल दिया। मैंने कहा तेरी, क्योंकि 9 बजे ना गैस चली जाए। अभी बज रहे रात के 10। बढ़ गए भाई, हो गया काम। अल्हम्दुलिल्लाह गैस हल्की हल्की आ रही, तो मैंने बोला सही टाइम पे लगा दिया। यो बल जाए फिर बेशक गैस चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से दूध के अंदर उबाला आ रहा है, और उससे पहले कि गैस चली जाए मेरा दूध उबल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर 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 ऊपर, अब बंद बस। भूख लग रही है, भूख 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 भूख। रमजान भूख लगती है, प्यास और भूख दोनों लगती है रात के टाइम। यार वैसे आपस की बात है कि आप बेहतरीन किस्म की नशीद चल रही है। कह रहे उस चक्कर में फटा हुआ है। मैं तो मोस्ट ऑफली रोल रोल ही दूंगा कोई, क्योंकि रोल रोल का जरा करीब खड़ा हुआ है। कोई बंदा खड़ा है फोन लेने के लिए। क्या खाए यार, ब्रोसा वरोसा तो मूड नहीं हो रहा। नहीं ब्रोसा उन्हें रोल छोर खा लेते हैं। वैसे देख लो क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है। देखिए पेट शेट भर लो थोड़ा सा। ये खाना ये खाना ये खाना है, चूज करके बताते हैं। सर बात चीज़ी चीज़ रोल ले, तो फर्स्ट टाइम मैं चीज़ रोल खा रहा हूँ जिंदगी में पहली बार। खुल जा भाई, खुल जा मामा, खुल जा यार। ओए होए होए, चीज तो सही भरी हुई है। चीज इतनी भरी हुई है, टॉर्च भी शाइन कर रही है। अभी अभी मैंने रोल खाया, और अभी जो है ना मेरा मूड हो रहा है टू हैव सम बिरयानी। क्या बोला तूने? टू हैव सम बिरयानी। अब घर जाके बिरयानी शरियानी खाते हैं। ओ यार क्या कर रहे हो चाचा? काम चेक करो, लोग नहीं ठोकेंगे तो और क्या होगा, तो देख लिया ये। ओए होए अभी गिरते बाइक वाले, ये ऐसी बॉल लगी है इनको। वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर मैन। ओए होए 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 होए, प्याज बहुत टाइट लग वाली लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। मजा आया? उफ उफ उफ, सब छोड़ बस हवा चेक करो, क्या टाइट हवा चल रही है। वैसे मैं तुम लोग का एक बात बताता चलूं, लास्ट अगर तुम लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो ऑफ रमजान के, तो हम लोग बंस रोड गए आफ्टर इफ्तार, वो सब ने ड्रामा शराब मस्ती वस्ती की। अब इस बार सीन जो है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकेगा, बिकॉज जो भाई और भाभी सब करवाते थे वो सारे उठ के बाहर चले गए पाकिस्तान से, जिनको अदा भी इंटरटेनमेंट होगी तफरी के मुझे तो ब्लॉग बन जाएगा। अब जो पाकिस्तान में रहेंगे ना, ये बिल्कुल सीधे सीरियस लोग, बस रमजान हो तो बस रमजान हो, तो भाई फिर भी हिल जाते हैं उनकी जो वो है ना मिसेज, वो जो पाकिस्तान में रह गए वो। इस बार जरा मुश्किल है, तभी तुम लोग करो, तुम लोग सब्सक्राइब ठोको ना सही से, हम दबा के मुझे सपोर्ट करो, तो मैं खुद चला जाऊंगा चीजें कवर करने के ना कुछ शुगर में लगाने। इट्स टाइम फॉर आवर सहरी, तो सहरी वेरी करते हैं। और लस्सी वस्सी भी आ गई, बिरयानी थोड़ी सी हमने गर्म कर ली, लस्सी वो डिनर में की थी, अब सहरी के लिए और थोड़ी सी अपने वही अंडा पराठा। कैंडल लाइट सीरीज हो रही है हमारी, 10 कैंडल लाइट सीरीज, लेट द सहरी फिर मिलते हैं। मजेदार, तुम लोगों को बेस्ट पता है, ऐसे अपडेट्स तुम लोगों को पता है। सहरी करने के बाद ये मम्मा ने भी रोशनी ड्यूटी लगा दी, मतलब खुद ही लगा दी, मतलब बेस्ती लगा दी एक ड्यूटी। अम्मा भी देख रही है भाई ये जो बर्फ है ना, बर्फ के करेट इनको रोज भर के ना सोया करो, बिकॉज जाहिर है वो इफ्तारी के टाइम जरूरत पड़ती है। उसके लिए क्या कहते हैं अपना शरबत है ना, ऑल दोस्त थिंग्स। खोलो स्क्वाट, डालो अंदर इसके, इधर लगेगा अंदर। वो जो पहली इतनी भरी नहीं है कि दो दो किलो तो उनके अंदर पड़ी हुई है, भरवाते रहते फुल, लेकिन इस्तेमाल ना उसमें सिर्फ 10% ही करते हैं रोज। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है, इतना हाई फुल हो गया हूँ कि अभी मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं किसी पिक्चर के अंदर ना वीडियो में किसी को पानी गिलास पीता हुआ भी देख लूँ, उससे भी लग रहा था तबीयत खराब हो जाएगी, तो इतना हाई फुल हो गया हूँ। हम लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह में। एक तो मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए, मैं तो कह रहा था कि वो मस्जिद चालान हो गया, कि सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, थोड़ी देर रह गई है। मैं पहले उठा 12 बजे, फिर मैं बंदा 1-2 बजे तक आराम सुकून से उठेंगे। अम्मी ना को बैठा है 3:30 बजे, ये बड़े उठ के नमाज पढ़ो। मैंने बोला मम्मा पहले आके उठाना चाहिए था 2 बजे, अभी उठा रही है। खैर नमाज पढ़ के भी हम होए फ्रेश उठे हैं, पता नहीं अभी भी लेजी हो रहा हूँ पता नहीं। चलो अभी तो चल रहा है रमजान, जब रमजान नहीं भी चल रहा था मैं फुल टाइम से ब्लॉगिंग करता था, तो मैं लिटरली अभी तो टाइम क्या हो रहा है, अभी इट्स ऑलमोस्ट 4, मैं लिटरली 4 बजे उठ के ब्लॉगिंग शुरू करता था। अपना 4 बजे डे शुरू हुए थे, मैं
एक दो दफा ऐसा हुआ था जब मैं सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा था फुल टाइम। अभी तो सीन ही डिफरेंट है, तो रोजा रखा हुआ इसलिए कर रहे हैं और नहीं तो क्या। वरना तो असल मुझे पता है 10 लगती थी एडिटिंग, मतलब मैं अगर मैं 9-10 में ब्लॉग एंड कर दिया, एडिट करने बैठा तो एडिट करते मैं सुबह 8-9 बजे आता था, तब मेरी 12-12 घंटे 14-14 घंटे एडिटिंग होती थी। मैंने 14-14 घंटे भी एडिटिंग की हुई है, मतलब मैं 7 बजे बैठा हूँ शाम में तो सुबह 9 बजे उठाऊ मैं एडिटिंग टेबल से। अब्बू कह रहे थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मतलब लेवल हो गया सही। देख लो भाई मैं ना तो गिव अवे डाल दिए, मजाक मस्ती ब्लॉग्स निकलेंगे, तफरी ब्लॉग्स निकलेंगे, बाहर भी जाएंगे, सब कुछ होगा। तुम लोग थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो है सब्सक्राइब। माशाल्लाह कल नहीं बने थे पकौड़े, आज बन गए। देखो पकौड़ों के बने इफ्तारी से एग्जाम में शेर पकौड़े, ये तो मेन डिशेज है। और ये थोड़ा सा हमारा फास्ट फूड आ गया, ये भी जरूरी होता है, ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल ही बैकआउट कर दो, थोड़े बहुत तो इनका चटकारा लेना जरूरी होता है इफ्तार में। बड़ा रमजान रमजान नहीं लगता, अंडरस्टैंड साइकिल स्टैंड, ये भी जो है ना अंडरस्टैंड साइकिल स्टैंड, ये भी मैंने अपने मैनेजर से सीखा। वो उसके सारे मतलब समझ ले ये मेरा काम, इसको काम बोलता ना यार ये काम कर दो, ये मेरा काम नहीं है, मतलब की सुगर मेले, मतलब की यू अंडरस्टैंड सेक्युलेशन, मतलब दुनिया भर के साइकिल चीजें बनाती सीखी हुई ना अपने बैचर से सीखी हुई। अगर उसका बच्चा देख रहा है ना तो उसको ही पता होगा कि गारंटी सही कह रहा है। मैंने कहा जब घर में बैठे हुए काम शाम नहीं कर रहे तो कम से कम गाड़ी के काम करवा लेते हैं, गाड़ी जो पंचर है वही लगवा लेते हैं। खोलो गेट, ये देखो पेट तो साथ ही हरकत है, देखो ये कोई तरीका गाड़ी में रखने की चीजें हैं। ऐसे गाड़ी हीट बहुत हो रही है इस गाड़ी पर, इधर स्टार्ट कर दें, और फ्यूल तो वैसे ही गाड़ी पर अलहमदुल्ला नहीं है। पहुँच तो हम लोग गए यहीं पर, जरा हम गाड़ी लगाते हैं जाके देखते हैं क्या सीन है, और फिर हम गाड़ी अपनी लगवाते हैं। कह रहे हैं भजन पहले आपका पंचर लगेगा फिर आपका इलेक्शन वो अलाइनमेंट चेक होगी। गाड़ी उठना शुरू हो गई है, लिफ्टर लग चुका है, ये रे जैक वैसे एक होना चाहिए हर जगह हर बंदे के पास, आराम से 5 सेकंड में से पूरी गाड़ी उठा दी यार, हमें 1 मिनट लग जाता है। टायर पकड़ेगा कि टायर में है कील, देखा सही कह रहा था मैं, बाकी तीनों सही है, बस इसमें अब ये रिपेयर करेंगे जो पंचर है वो। खैर रहने दो, जरा अच्छा लग रहा है यार वो यार, कैसे जवाब कर रहा है। पहले रफ करना जरिए से पहले रफ करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ना वो लगाएंगे पंचर, पर इसको रफ किया जाता है। परफेक्ट टायर इस तरीके अंदर लॉक, ठीक है अब इसके ऊपर भी एक वायर लगेगी, फिर दोनों साइडों से हीट अप हो जाएगा ये। ये इन्होंने लगाई वायर, गुड हो गया जी। 1 सेकंड गई थी, ऐसे पक्के कारीगर है, ऐसे पक्के कारीगर है, पीछे लगे मशाला टायर भी फिट कर दिया, वाह 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 वाह। टेक्नोलॉजी का भी लेवल इतना बढ़ गया, एक टाइम आएगा सामने पर दो लाइटें लगी होंगी, वो टायरों पर लग रही होंगी दूर से, पता चल जाएगा कौन सा अलाइनमेंट टेढ़ा कौन सा सीधा, ये वक्त आएगा। गाइस आपस की बात है, गाड़ी चीज जितनी साफ है ना ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने किचन में 2 दिन पहले गाड़ी चलाई है यार। ये तो गाइस जगह ना पैसेंजर सीट के पीछे, इधर गाड़ी का जैक रखते हैं जो कि मैंने ओपन रखा हुआ डिक्की के अंदर, खुला घूमता रहता है पीछे। कोई की हमारी गाड़ी टेस्ट के भाई अलाइनमेंट सेट हो गई, अभी चेक करेंगे और फिर परफेक्ट हो गई सेट बिल्कुल इसकी, एकदम गाड़ी एकदम चला के ना स्टेयरिंग छोड़ दिया, परफेक्ट हो गई, सही हो गई। वैसे गाइस आपस की बात है, जो इसका जो स्टेयरिंग है तो बिल्कुल सीधा हो गया, अलाइनमेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है इसकी। One of our subscribers has even sent something for iftar. माशाल्लाह वाह वेरी गुड वेरी नाइस। वैसे मैं सब्सक्राइबर के वजह से नहीं भी कह सकती, वो सब्सक्राइबर भी है और एक तरीके से ना सलाम दो अच्छी दोस्ती भी हो गई इनसे। तो यार अभी जो ब्लॉग में बीच से वक्त एंड करने लगा हूँ, तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट शेयर एंड फेसबुक वीडियो मुझे फॉलो करना, तो मैं उसमें लगे नए ब्लॉग के अंदर और फिर दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। मेरा ये मैं रात को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है फिर मैं पूरा ब्लॉग करके सारे बाद एंड कर देता हूँ। याद रहे कि भाई गिव अवे आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो फॉर द गिव अवे।